हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, सामने स्क्रीन पर आपको पिरामिड चार्ट दिख रहा है, तो चलिए आज हम इसी चीज पे डिस्कस करेंगे कि हम पिरामिड चार्ट को कैसे क्रिएट करेंगे। जी हाँ, पिरामिड चार्ट को कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले इस चार्ट जो पहले से बना हुआ है उसको डिलीट करते हैं। हमारे पास डेटा है, जैसे कि हिट्स, कितने हिट्स आए थे, कितने क्लिक्स हुए थे, कितने लीड जनरेट हुई और कितना सेल हुआ। अब इसको हम क्लिक सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल सा चार्ट इंसर्ट करेंगे और यहाँ 3D स्टैक कॉलम चार्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हम तो पिरामिड चार्ट बनाने वाले हैं। हाँ हाँ बनाएंगे बनाएंगे, सब्र रखिए। और सब्र रखते हुए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना चाहे तो डाउनलोड कर लें। मोबाइल ऐप डाउनलोड करने से क्या होगा कि मेरी सारी वीडियो सीक्वेंस में एक जगह पे आपको मिलेगी एक कोर्स के रूप में। मेरा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या एक्सेल एमआरएस ट्रेनिंग प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं। तो चलिए बैक टू टॉपिक, हम टॉपिक को वापस आते हैं। आपके सामने दिख रहा है फनल चार्ट। अब सबसे पहले इसको हम करेंगे स्विच रो टू कॉलम। स्विच रो टू कॉलम करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इस तरह के जो लाइनिंग वगैरह है उसको यहाँ प्लस सिंबल से हम इसको यहाँ से एक्सिस हटा देते हैं और यहाँ से लाइनिंग वगैरह हटा दी, सिंपल सा। अब इसकी हाइट विड्थ अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी चार्ट को सेलेक्ट पे राइट क्लिक करके यहाँ फॉर्मेट डेटा सीरीज पे चले आए। फॉर्मेट डेटा सीरीज पे आएंगे तो यहाँ मतलब गैप दिख रहा होगा 150%। अब इस गैप को 50% कर दीजिए। जी हाँ 50%। और यहाँ आपके सामने जो गैप विड्थ दिख रहा है उसको मैं यहाँ पे 60% कर देता हूँ, तो कुछ इस तरह से फैल जाएगा। अब 60% की जगह पे मैं 70% भी करूंगा तो थोड़ा सा ज्यादा फैल कम फैलेगा। मैं कम ज्यादा बढ़ाता हूँ यहाँ से, ये देखिए जितना कम करेंगे उतना बेटर रहेगा। अब यहाँ पे इसी के नीचे यहाँ पे दिख रहा है कॉलम सेप, जो कि बॉक्स है, फुल पिरामिड है या पार्शियल पिरामिड है, तो दोनों ले सकते हैं। दोनों में कोई खास अंतर नहीं होता है, किस किसी केस में अंतर होता है। और जैसे आप यहाँ पे इसको गैप को बढ़ाते हैं, पिरामिड उतने ही कोन शेप में आपके सामने आएगा। और आपको कितने कोन शेप में रखना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अब यहाँ आपके सामने पिरामिड बन चुका है। अब इस पे मान लीजिए मुझे ये देना है, राइट क्लिक करके मैं यहाँ से डेटा लेबल ऐड करूंगा। यहाँ भी राइट क्लिक करके डेटा लेवल, यहाँ भी राइट क्लिक करके डेटा लेवल, और ऊपर में भी राइट क्लिक करके हमने डेटा लेवल ऐड कर दिया। अब एक ही डेटा लेवल को सिलेक्ट करके आपको फॉर्म में डेटा लेवल यहाँ मैंने यहाँ पे कर दिया है, इसमें सीरीज का नाम भी आ जाए ताकि अच्छा दिखे। यहाँ भी हमने सिलेक्ट करके यहाँ पे सेम सीरीज नेम और यहाँ भी सीरीज नेम कर। इसके अलावा और थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग करनी है तो और फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि इन दोनों के बीच में जो लाइनिंग है ना वो लाइनिंग नहीं चाहिए होता है, तो फिल में आइए। यहाँ पे फिल में यहाँ पे मैं कर देता हूँ लाइनिंग बॉर्डर में नो लाइन। यहाँ भी कर देता हूँ नो लाइन, यहाँ भी कर देता हूँ नो लाइन, यहाँ भी कर देता हूँ नो लाइन। बोले सर यहाँ तो लाइनिंग है कुछ नहीं फर्क पड़ा, तो यहाँ पे सॉलिड लाइन और कलर जो है व्हाइट कर देते नहीं, कलर व्हाइट से नहीं काम चलेगा, क्योंकि तो व्हाइट से इसकी लाइन भी आपका हो जा रहा है। सॉलिड फिल, नो फिल, सॉलिड फिल, कलर अलग चेंज कर सकते हैं। तो यहां आप इसका यूज आप कर सकते हैं।
तो इसकी फॉर्मेटिंग तो बहुत सारे हैं, और फॉर्मेटिंग जो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमने जो सिलेक्ट किया पिरामिड, यहाँ से पिरामिड के अलग अलग स्टाइल्स है, जिस मान लीजिए कि वो स्टाइल सही नहीं लग रहा है, जो स्टाइल आपको सही लग रहा है वो स्टाइल में अपने पिरामिड को रख सकते हैं। तो ये पिरामिड के स्टाइल है, मुझे लगा ये सबसे बेटर स्टाइल था, इस स्टाइल में आप अच्छे तरीके से इसको रख सकते हैं पिरामिड को। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा रिसर्च पे हम लोग चलते हैं कि तो पिरामिड हमने बना लिया, अब हम बात करते हैं कि इसी को हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट, हम जाते हैं अपने कॉलम चार्ट, कॉलम चार्ट में आते हैं। कॉलम चार्ट में आने के बाद मैंने इसको स्विच रो एंड कॉलम कर दिया, और यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ देखिए पिरामिड का सिस्टम नहीं है, तो ध्यान रखिएगा पिरामिड का सिस्टम तभी आता है जब आप 3D का फॉर्मेट अप्लाई करते हो। जी हाँ, 3D फॉर्मेट में अप्लाई करते हो तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, किसी तरह की प्रॉब्लम के लिए मुझे कॉल कीजिए और मेरा ऐप को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।